डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद जब महिला ठीक नहीं हुई तो परिवार पहुंचा बागेश्वर धाम और यहां पर महिला ने तोड़ा दम। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। डॉक्टर से इलाज करके जब लोग हार जाते हैं तो बागेश्वर धाम की शरण में जाते हैं कि शायद यहीं से मरीज ठीक हो जाए, मगर सबके साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा ही बिहार के आरा में रहने वाले राजकुमार अपनी बीमार पत्नी फूलवती को लेकर बागेश्वर धाम आए हुए थे, जिन्हें पेट में दर्द था और पति राजकुमार के अनुसार ऊपरी चक्कर था, जिसके लेकर उन्होंने काफ़ी इलाज कराया मगर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वह ठीक नहीं हुई और वह बागेश्वर धाम आए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद यहीं से वह ठीक हो जाएँ और बालाजी एवं यहाँ पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद मिल जाए, मगर यहाँ पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात हो पाती कि उसके पहले ही महिला फूलवती ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद यहाँ पे पीड़ित पति यहाँ अपनी मृतक महिला का शव लेकर टैक्सी में रख कर जिला अस्पताल लेकर आया, जहाँ पर वहाँ पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद शव को परिवार को सौंप दिया गया। आए थे बागेश्वर धाम, दवाई बीरो मतलब वहाँ कराए, मतलब अपने क्षेत्र में नहीं ठीक हुआ तो हम सोचे चलिए बागेश्वर धाम चलेंगे तो वहाँ ठीक हो जाएंगे, पैसा ख़त्म हो गया तो यहाँ आए कि मतलब ठीक हो जाएगा, तो मतलब यहाँ भी हमारा पत्नी दिचा आई अला 5-6 दिन हुआ बस एक्सपायर हो गया। अच्छा आज क्या कर रहे थे आप लोग धाम पर? मतलब आए थे मतलब कि सोचे कि मतलब थोड़ा मतलब बाबा से मतलब धाम पर जाएंगे तो ठीक हो जाएगा हमारा मरीज, पैसा लगाए बहुत लगाए नहीं ठीक हुआ, मतलब दवाई बीरो कराए थे। कौन थी जी आपकी? हमारा पत्नी थी। क्या नाम था? इनका फुलझारो देवी। अच्छा फिर वहाँ से यहाँ कैसे लेकर आए जिला अस्पताल, क्या था वहाँ? मतलब हम मतलब जा कार्यालय में मतलब किए तो मतलब बोले लोग वहाँ के मतलब क्या बोलते हैं बाबा जी लोग मतलब जाओ वहाँ मतलब व्यवस्था मिल जाएगा जाने के लिए, तो हम सोचे कि हमको मतलब व्यवस्था कर दीजिए मतलब, तो लोग बोले कि जाइए मतलब हम व्यवस्था कर देते हैं कि वहाँ से सरकारी में से व्यवस्था आपको मिल जाएगा, कि आपको पैसा नहीं लगेगा। एम्बुलेंस वगैरह कुछ, कुछ नहीं मिला साधन हमको। आए कहाँ से लेकर आए? ये ऑटो से, वो बाबा जी लोग विदा के ऑटो से। ऑटो से लेकर आए? हाँ। बीमारी क्या थी वैसे? बीमारी थी कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, दर्द के मतलब पते नहीं चलते। बाबा को दिखाने आए थे? बाबा जी, बाबा जी को दिखाने आए आपको? बाबा जी से नहीं, दर्शन नहीं। उधर बिहार के आरा में रहने वाले मृतक महिला के परिवार काफ़ी गरीब और कमज़ोर था, जिसके कारण उनके पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा भी नहीं था, तो इस बात को लेकर नगर पालिका छतरपुर की अध्यक्ष ज्योति चौरसिया द्वारा मदद की गई और यहां पे महिला के अंतिम संस्कार के इंतजाम भी नगर पालिका द्वारा किए गए, जिसके बाद भैंसासुर मुक्ति धाम सागर रोड पर महिला का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने मीडिया के कैमरे में बताया कि किस तरीके से इस पीड़ित परिवार की मदद की गई। जी बिहार से जो महिला काफ़ी बीमार थी, बागेश्वर धाम में 3 दिन से थी, उसको यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो उसकी मृत्यु हो गई, तो वो काफ़ी गरीब फैमिली से थे, तो नगर पालिका ने उनकी अंत्येष्टि के लिए लकड़ी प्रोवाइड की जिससे कि वो लोग उनका दाह संस्कार अच्छे से कर सकें। तो सुना आपने, इस पीड़ित परिवार की मदद के लिए नगर पालिका छतरपुर भी आगे आया और यहाँ पे पीड़ित परिवार की मदद करते हुए अंतिम संस्कार के लिए सारी सामग्री इकट्ठा की और महिला का अंतिम संस्कार सागर रोड स्थित भैंसासुर मुक्ति धाम में करवाया गया। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से छोटू शुक्ला की रिपोर्ट।